चलिए दोस्तों लेके आ गए हूँ आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो और दोस्तों ये जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन्स ऑफ 2020 मुझे ये समझ में नहीं आया दोस्तों कि माइक्रोमैक्स ने पहले अनाउंस कर दिया उसके 20 दिन के बाद हमें भेज दिया है जी 20 दिन तो नहीं 10-15 दिन हो गए बट आ गया है हमारे पास करने वाले आज इसका अनबॉक्सिंग देंगे आपको मेरे फर्स्ट इंप्रेशन लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेलाइकन जाइए ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों ये जो है ये है नोट वन बेसिकली ये जो फोन लाए हुए हैं वो शाहमी के जो नोट सीरीज के फोन है उसके साथ कंपीट करने के लिए आए हुए लेट्स सी देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताने वाला हूं खोलते हैं सबसे पहले बॉक्स लेट्स सी द फोन अप फ्रंट फोन है ऊपर ही रखते हैं साइड में और क्या है ऑलराइट ठीक right. है ओके सिम कार्ड टूल दिख रहा है सबसे पहले और कुछ डॉक्यूमेंटेशन बट नो केस केस नहीं दिख रही है बट शायद हमारा जो रिव्यू यूनिट है उसके अंदर नहीं होगा क्योंकि इतना अगर मोटा है इसका मतलब देर शुड है केस सो आई एम नॉट श्योर हमारे पास नहीं है 18 वॉट फास्ट चार्जर यूएस बी टाइप सी केबल ऑल राइट दोस्तों रखते हैं सब कुछ साइड में आई डोंट थिंक देर इज अ केस सो वो डाल के तो नहीं दिखा सकते हैं देखते हैं फोन के पास सबसे पहले हाथ में लेते इट फील्स बिग इन हैंड ऑल प्लास्टिक निकाल दिया ओके okay. ऑलसो है स्क्रीन गार्ड जी हाँ स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी है क्योंकि मुझे इधर ऑलरेडी एक बबल दिख रहा है आपको दिख रहा है ये देखिए यस एंड पीछे की तरफ ओके okay. तो अच्छी तरह से उन्होंने कवर किया है प्लास्टिक के साथ दैट इज गुड ओ नाइस वेरी नाइस ये जो है दोस्तों ये वाइट कहा है बट दिस इज काइंड ऑफ अ पर्ली डिजाइन पर्ल मैं कहूंगा ये देखिए प्रीमियम फील इतना मैं कहूंगा यस इट्स अ प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग है लेकिन जब देखोगे आप इट लुक्स प्रीमियम याद रखिए दोस्तों ये जो है दस ग्यारह हजार इस प्राइस रेंज का से मिड रेंज या फिर बजट मिड रेंज का है उस हिसाब से दिस वन लुक्स गुड सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इट आउट लाइक अ सोर थम्ब मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से वो ब्लू कलर है इधर पर्ल है आई एम नॉट श्योर वाई आपको अच्छा लग रहा है लेकिन दोस्तों अगर पोजिशनिंग की बात करूं इट इज परफेक्ट जिधर होना चाहिए उधर है लेट्स टॉक अबाउट वेट एंड इट इज अ बिग फोन बड़ा फोन है एंड जी हाँ स्लाइटली हैवी भी है मेरे हिसाब से इट शुड बी अबाउट टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड एंड फाइव ग्राम्स टू हंड्रेड एंड फोर ग्राम्स नॉट बैड विद इन द रेंज जी हाँ इतना तो आता है यस सो इट इज बिग एंड स्लाइटली हैवी दोस्तों अगर पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो सभी पोर्ट्स एंड बटन्स हैं ऊपर नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन भी आता है नीचे यूएसबी टाइप सी भी मिलता है आपको 3.5 पॉइंट फाइव एम जैक भी है एंड देर इज एन एक्स्ट्रा बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जी हाँ गूगल असिस्टेंट का बटन आता है डेडिकेटेड और दोस्तों अगर कैमरा बंप के बारे में बात करूं ठीक ठाक है मैं कहूंगा स्लाइड बंप जरूर है और हाँ दोस्तों ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट आता है डेडिकेटेड स्टोरेज आपको मिलता है चलिए दोस्तों अब वक्त होता है फोन चालू करने का और जब तक ये चालू हो जाता है सेटअप हो जाता है दोस्तों अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक करना मत भूलिए अच्छी नहीं लगती है नो प्रॉब्लम गो डाउन इन कमेंट्स बताइए हमें क्यों अच्छी नहीं लगती है विल इंप्रूव इट नेक्स्ट टाइम राइट दिस इज अग फोन दोस्तों विद बिग डिस्प्ले सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंच का एफ एच डी प्लस डिस्प्ले आता है जो मैं कहूंगा अच्छा है यस इट इज ए आई पी एस डिस्प्ले और AMOLED इस रेंज में ऑब्वियसली नहीं है बट सफिशेंटली ब्राइट है मेरे हिसाब से अच्छा भी है

स इज गुड जी हां यह आता है हीलियो जी एटी फाइव प्रोसेसर विच इज अ गेमिंग ऑप्टीमाइज प्रोसेसर मैं कहूंगा जो हाइपर इंजिन के साथ आता है दो वेरियंट्स आते हैं दोस्तों इसमें फोर जीबी सिक्सटी फोर जी बी एंड फोर जी बी वन ट्वेंटी एट जी बी और अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं टेन ट्रिपल नाइन प्राइस आती है फोर जी बी सिक्सटी फोर जी बी एंड फोर वन ट्वेंटी एट जो है वो आती है ट्वेल्व फोर नाइन मतलब साढ़े बारह हजार की आती है एंड आई टेल यू वॉट एट दैट प्राइस लुक्स रियली गुड अगर रैम टाइप के बारे में बात करूं तो एल पी डी डी आर फोर रैम है नॉट फोर एक्स एलपी डी डी आर फोर स्टोरेज टाइप भी दोस्तों इट इज नॉट ई एम एमसी इट इज नॉट यू एफ एस टू या टू पॉइंट वन इट इज ई एम सी पी मतलब ई एम एमसी से स्लाइटली हायर है लेकिन यू एफ एस टू पॉइंट जीरो से स्लाइटली लोअर है और अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों पांच हजार मिली एमपीआर की बैटरी आती है एटीन वॉट फास्ट चार्जिंग और हाँ दोस्तों ये रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है तो इससे आप दूसरा फोन भी वायर के साथ चार्ज कर पाओगे लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ये बड़ी चीज है G85 और इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो किया हुआ है एंड आई लाइक दिस प्रोसेसर मतलब गेमिंग में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली आप हाई सेटिंग्स में हमने कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखा दोस्तों हाई सेटिंग्स में भी मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब स्मूथ गेम प्ले था फ्रेम ड्रॉप स्लाइटली इधर उधर दिखे बट जनरल नेकेड आई को नॉर्मल जो गेम खेलता है उसे नहीं दिखेगा सो माई एक्सपीरियंस ऑन गेमिंग वॉज क्वाइट गुड स्पेशली बड़ी स्क्रीन है सिक्स इंच सो नाइस गेमिंग परफॉर्मेंस अगर अंत स्कोर के बारे में बात करूं दोस्तों तो इट कम्स टू के करीब जी अगर इसका स्टोरेज टाइप एंड रैम टाइप थोड़ा ऊपर होता तो शायद दो लाख के ऊपर जाता फिर भी मैं कहूंगा इट इज क्वाइट गुड एंड इज अ रीजन वाई ये जो है दोस्तों ओ इट इज अ वैनिला एंड्रॉयड ओएस एंड्रॉइड 10 के ऊपर आता है देर आर नो ब्लोटेयर थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल्स कुछ भी नहीं है अच्छा वैनिला एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है एंड इट इज क्वाइट गुड अगेन जी एटी फाइव रेगुलर डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा नॉर्मल छोटे गेम्स वगैरह खेलोगे इवन हैवी एप्स वगैरह आप इस्तेमाल करोगे यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स एंड बैटरी भी मैं कहूँगा अच्छी है तो ओवरऑल सभी साइड से आप बैटरी देखो परफॉर्मेंस देखो आई लाइक इट और दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर एंड ऑल ऑफ देम वर्क वेरी वेल इंक्लूडिंग फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक दोनों भी हमने टेस्ट किए दोनों भी अच्छी तरह से चलते हैं दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के मामले में बात करूं तो मिड रेंज में जो भी कनेक्टिविटी ऑप्शन आते हैं सभी है इसके अंदर जी हाँ डुअल फोर वोल्टी है वाई कॉलिंग का सपोर्ट है वाई फाई है ब्लूटूथ फाइव है सो एवरीथिंग दैट यू वांट चलिए अबाउट मल्टीमीडिया जी हाँ अगर बहुत सारे आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हो आपको एक्चुअल में मजा आएगा क्योंकि बड़ी स्क्रीन है लेकिन व्यूइंग एंगल्स वगैरह अगर मैं देखूंगा इट इज आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले तो व्यूंग एंगल्स ठीक ठाक है मैं कहूंगा बड़ी स्क्रीन की वजह से अच्छा लगता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ठीक ठाक है सो योर गोइंट टू एंजॉय वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अगर ऑडियो के बारे में बात करूँ दोस्तों इट इज वन ऑफ द लाउडेस्ट आ वर्ड मतलब सीरियसली लाउड है क्वालिटी के मामले में मैं सेम नहीं कह सकता हूँ आई थिंक इट इज ओके ओके एवरेज कहूंगा क्वालिटी बट वेरी लाउड द स्पीकर वॉल्यूम चलिए बात करते हैं बाकी के फीचर्स के बारे में येस जी कैम का सपोर्ट है मतलब कैमरा टू एपीआई का सपोर्ट है जी कैम का पोर्ट आप इस्तेमाल कर पाओगे नो प्रॉब्लम्स दैन वाइल्ड वाइन एल थ्री का सपोर्ट आई एम नॉट श्योर वाई एफ एच डी स्क्रीन है सो वाइड वाइन एल वन आना चाहिए था शायद आ भी जाएगा आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बट अभी जब हम टेस्ट कर रहे हैं सो इट इज एल थ्री सपोर्ट एल वन शुड हैव बीन देयर वैसे दोस्तों इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं है आजकल किसी भी फोन्स में नहीं दिखते मतलब बहुत कम फोन्स में दिखते हैं नो नोटिफिकेशन लाइट एंड एफएम रेडियो है दोस्तों दैट इज गुड और दोस्तों सार वैल्यू के बारे में बात करूं तो इट इज विद इन लिमिट्स जी दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस बता दूं आपको 48 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल का जो है वो है अल्ट्रा वाइड और बाकी के जो दो हैं डेप्थ है कलर सेंसर है, है आगे की तरफ पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलता है और अगर दोस्तों फोटोज के बारे में बात करूं आई एम नॉट वेरी हैप्पी आई एम नॉट श्योर वाई अपडेट के साथ शायद ये इंप्रूव हो जाएंगे लेकिन मैंने कुछ सेल्फी फोटोज वगैरह निकाले जो स्किन टोन वगैरह ज़्यादा व्हाइट दिख रहा है मतलब मैं जितना गोरा हूँ उससे ज़्यादा टू एक्स टाइम वो मुझे ज़्यादा वाइट दिखा रहा है सो so, ठीक ठाक है बाकी के रेयर कैमरा के साथ जो भी फोटोज़ निकाले मैंने वो भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट एवरेज क्वालिटी वैसे आप कुछ फोटो स्क्रीन पे देख रहे हो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों आपको ये फोटोज कैसे लगे लेकिन दोस्तों याद रखिए ये मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन है रिगरसली मुझे इस कैमरा को इस्तेमाल करना होगा उसी के बाद रिव्यू करूंगा और फिर आपको बताऊंगा एक्चुअल में कैमरा कैसा है सो टेक इट विद ऑफ सॉल्ट दीज आर ओनली माई फर्स्ट इम्प्रेशन तो दोस्तों ये फोन मुझे कैसे लगा लेट मी टेल यू दोस्तों इफ यू आर लुकिंग अगर आप दस ग्यारह हजार की रेंज में एक फोन देख रहे हो दिस वन इज प्रोबली द बेस्ट कैमरा अगर आपकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है दोस्तों देन आई थिंक इट इज नॉट देर येट बट परफॉर्मेंस स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस नो ब्लोटेयर नो थर्ड पार्टी एप्स ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इवन गेमिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कहूंगा इट इज क्वाइट गुड फॉर इलेवन थाउजेंड आई विल गिव अग थम्स अप और भी बड़ा थम्सअप होता अगर कैमरा थोड़ा और अच्छा होता दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जी इतने सारे लोगों को जानना है कि भाई ये नोट वन इन नोट वन कैसे है चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो तक स्टे सेफ